हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम आप सभी को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का नेक्स्ट चैप्टर इंट्रोगेटिव सेंटेंस चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंस, यहाँ पर हमें प्रश्नवाचक सेंटेंस को साधारण वाक्य बनाना है। पहला सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है, हु डज नॉट नो सरदार पटेल। तो इंट्रोगेटिव से असर्टिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का पहला नियम है, यदि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो दूसरा सेंटेंस नेगेटिव में बनेगा, और यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो दूसरा सेंटेंस अफर्मेटिव में बनेगा। इट मीन्स नाट है तो हटाओ, नहीं है तो लगाओ। तो पहला सेंटेंस है, हु डज नाट नो सरदार पटेल, सरदार पटेल को कौन नहीं जानता। तो हु को चेंज करेंगे एवरीबॉडी में, हु को हम लोग चेंज करेंगे एवरीबॉडी में, एवरी बॉडी में चेंज हो गया। उसके बाद डज नाट, यहाँ से हमें नाट को हटाना है, और जब हम लोग नाट को हटाएंगे तो डज का भी यूज नहीं किया जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे नो। और डज को हटाने के बाद क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस जोड़ेंगे, तो एवरी बॉडी नोज सरदार पटेल। फुल स्टॉप लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क हटा देंगे। हु डज नॉट नो सरदार पटेल, सरदार पटेल को कौन नहीं जानता। इसका आंसर होगा असर्टिव सेंटेंस में एवरीबॉडी नोज सरदार पटेल, प्रत्येक लोग सरदार पटेल को जानते हैं। दूसरा सेंटेंस है, व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले डियर ग्लोरी, क्योंकि सब्जेक्ट है डियर ग्लोरी। उसके बाद कैन को अंदर करेंगे सब्जेक्ट के बाद, डियर ग्लोरी कैन। और यहाँ पे हमें नॉट लगाना है, तो यहाँ पे हमें नॉट का यूज ना करके नेबर का यूज करेंगे, डियर ग्लोरी कैन नेबर फेड, FADE, और फुल स्टॉप लगाएंगे। सेंटेंस हमारा प्रश्नवाचक से साधारण वाक में बदल जाएगा। तीसरा सेंटेंस है, हु कैन काउंट द स्टार्स। अब यह सेंटेंस भी हु से स्टार्ट है, बट इसमें नॉट का यूज नहीं किया गया है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नन, NONE, नन कैन काउंट द स्टार्स। और फुल स्टॉप लगाएंगे, नन कैन काउंट द स्टार्स। नन के स्थान पे हम लोग नो बॉडी या नन का यूज या नो वन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे नॉट का यूज नहीं दिया है, तो हमें नॉट का यूज करना है। यहाँ लिखेंगे नो वन, Nobody या none can count the stars। चौथा सेंटेंस है, Is the sun not larger than the earth? यहाँ का सब्जेक्ट है द सन, सहायक क्रिया को अंदर लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद, Is the sun, Is not को हटाएंगे, Larger than the earth, full stop। पांचवा सेंटेंस ठीक इसी तरीके से करेंगे, इज ऑनेस्टी नॉट द बेस्ट पॉलिसी। तो पहले लिखेंगे ऑनेस्टी इज द, नॉट को हटाएंगे,
ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, फुल स्टॉप। छठवां सेंटेंस है व्हाई वेस्ट टाइम इन रीडिंग नॉवेल्स। यहाँ पे वाई प्लस भी वन है तो वाई को हटाएंगे, इसके स्थान पर लिखेंगे इट इज एक्सट्रीमली, इट इज एक्सट्रीमली फूलिश टू, वाई को हटाकर लिखेंगे इट इज एक्सट्रीमली फूलिश टू। उसके बाद से इस सेंटेंस को लिख लेंगे वेस्ट टाइम इन रीडिंग नॉवेल्स, वेस्ट टाइम इन रीडिंग नॉवेल्स, फुल स्टॉप लगाएंगे। सातवां सेंटेंस है, यहाँ दिया व्हाट दो बी हैपन टू बी लेट। यहाँ पे हमें व्हाट को हटाना है, जिस तरीके से हम लोगों ने व्हाई को हटाया तो लिखा गया इट इज एक्सट्रीमली फूलिश टू, ठीक उसी तरीके से व्हाट को हटाएंगे तो इसके स्थान पर लिखेंगे इट डज नॉट मैटर, इट डज नॉट मैटर मच। इसको लिखने के बाद व्हाट हट गया यहां से, दो बी हैपन, दो बी हैपन टू बी लेट, फुल स्टॉप लगाएंगे। इस तरीके से हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलते हैं। आठवां सेंटेंस है हाउ कैन ए लाइन चेंज हिज स्किन, इसको लिखेंगे अ लाइन कैन चेंज हिज स्किन इन नो वे या बाय नो एनी मीन्स, या बाय नो एनी मीन्स। एक शेर अपने स्किन को किसी भी तरीके से नहीं बदल सकता है। क्वेश्चन कह रहा था हाउ कैन ए लाइन चेंज हिज स्किन, एक शेर किस प्रकार से या कैसे अपने स्किन को बदल सकता है। तो असर्टिव सेंटेंस का होगा अ लाइन कैन चेंज हिज स्किन इन नो वे, या इन नो वे के स्थान पर बाय नो एनी मीन्स लिखेंगे। सेंटेंस हमारा प्रश्नवाचक से साधारण वाक्य में परिवर्तित हो जाएगा। नौवां सेंटेंस है कैन ए मैन चेंज हिज स्किन, क्या एक आदमी अपनी स्किन को बदल सकता है। यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट अ मैन, कैन को सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे, नॉट नहीं नॉट लगाएंगे। अ मैन कैन नॉट चेंज हिज स्किन, फुल स्टॉप लगाएंगे। दसवां सेंटेंस है हु वुड लाइक टू बी स्लेव, तो हु को हटाएंगे, यहाँ पर नॉट नहीं हमें नॉट लगाना है, यहाँ लिखेंगे नो बॉडी वुड लाइक टू बी स्लेव, नो बॉडी वुड लाइक टू बी स्लेव, या नो बॉडी के स्थान पर लिख सकते हैं, नो बॉडी के स्थान पर लिख सकते हैं नो वन, नो वन या नो वन के स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं नन, एन ओ एन ए, इन तीनों में से किसी एक का यूज करेंगे। नो बॉडी भी लिख सकते हैं, नो बॉडी के स्थान पे हम नो वन का भी यूज कर सकते हैं अथवा हम नन का भी यूज कर सकते हैं, वुड लाइक टू बी स्लेव। इस तरीके से हम लोग प्रश्नवाचक सेंटेंस को
साधारण वाक्य में बदलते हैं। थैंक यू।